अस्सलामुअलैकुम जी। कोरोना वायरस से बचाव के इकदाम के हवाले से हम आपको बताएंगे, कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों खांसते या छींकते वक्त टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें, हाथों पर सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, समाजी मेल जोल में एहतियात करें। सेहतमंद पंजाब, सेहतमंद पाकिस्तान। बरून मुल्क मखसूस चीन और ईरान का सफ़र करने वालों के लिए हदायत, जहाँ जाएँ इस इलाके के महकमा सेहत की हदायत और आलमी इदारा सेहत की सफरी सिफारशात पर अमल करें। नज़ला ज़ुकाम या खांसी की सूरत में मुँह और नाक को मास्क से दाम कर रखें। हजूम वाली जगहों पर जाने से इजतनाब करें। फलों, सब्जियों, गोश्त और अंडों को अच्छी तरह धोएं और पूरी तरह पकाएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह को आस्तीन के टिश्यू से डांपें, हाथों से नहीं। ऐसे शख्स के करीब जाने से ग्रेज करें जिसमें नज़ला ज़ुकाम या फ्लू की अलामत हों। ऐसे शख्स करीब ना जाएँ जिसमें कोरोना वायरस की तशखीस हो गई हो तो मुकम्मल सेहतियाबी तक अस्पताल में या दर्ज मरीज से घर ना जाएँ। बरूने मुल्क क्याम के दौरान नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामत ज़ाहिर हों तो फौरी करीबी अस्पताल से रब्ता करें। और जी, इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज़ के लिए ज़रूरी हदायत क्या है। कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज़ किसको कहा जाए? ऐसा मरीज़ जिसको नज़ला और बुखार के साथ खुश खांसी हो और वो किसी ऐसे शख्स के साथ उठा बैठा हो जिसने बैरून मुल्क सफ़र किया हो या किसी ऐसे शख्स के साथ मिला जुला हो जिसमें कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया हो। एहतियात, ऐसे बच्चे को इसके घर में ही लैदा रखें। घर के तमाम अफराद इस बच्चे से दूर रहें। घर के तमाम अफराद बार बार हाथ और चेहरा धोएं। बच्चे की वालदा या करीबी ख्याल रखने वाले दस्ताने, मास्क, गाउन पहनकर और सर को ढाँप कर रखें। बच्चे की देखभाल करने वाला अपना लिबास दिन में 2 मरतबा तब्दील करें और उसे अलहदा अच्छे तरीके से गर्म पानी से धोएं। किसी करीबी रिश्तेदार, बुजुर्ग, हमला खवातीन या बीमार शख्स को हर सूरत में बच्चे से दूर रखें। मरीज़ दोबारा अस्पताल का बाहर, बच्चे में मज़ेदार अलामत आने की सूरत में अस्पताल से रजू करें। सांस का तेज़ चलना या फंसियाँ चलना, बच्चा खाना पीना छोड़ दे। याद रहे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसको फैलने से बचाने की हदायत पर अमल करना ही इसका वाहिद हल है। कोरोना हुआ एहतियात में ही निजात और हेल्पलाइन आपके सामने नज़र आ रही है। और जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।